राजस्थान से आने वाली गर्म हवा के कारण शुक्रवार से ही गर्मी अपने पूरे स्वभाव पर आ चुकी है। इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो शनिवार को भी बना रहा गर्म हवा के कारण सड़कें दोपहर 12 बजे के बाद ही सुनी हो गई। जो लोग भी जरूरत के हिसाब से निकले, वह सिर और हाथ पैर को पूरी तरह से ढककर ही निकले। सबसे ज़्यादा परेशानी रोज़मर्रा मेहनती मजदूर करने वाले लोगों को हुई। भीषण गर्मी में उन लोगों को निकलना और मजदूरी करना मजबूरी है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि फिलहाल 1-2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। राजस्थान से गर्म और उसमें आर्द्रता नहीं होने के कारण तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार सोमवार से मौसम में कुछ तब्दीली आएगी और बादल छाने के साथ ही छुटपुट स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। वहीं लोगों की दिनचर्या में भी शनिवार को बदलाव देखा गया। अधिकांश लोग दोपहर 12 बजे से पहले ही अपने काम को समेट कर धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सड़कें भी सूनी नजर आ रही थीं। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। आज थोड़ी हीट वेव की जो संभावना है वो रहेगी आज और कल के दिन। उसके बाद परसों से थोड़े बादल छाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगले 2 दिन तक थोड़ी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। अभी क्या है, जो अपने अभी हवा जो आ रही है वो अभी नॉर्थ वेस्ट जो राजस्थान की तरफ से आ रही है, तो वो जो हवा आ रही है उनमें ह्यूमिडिटी भी नहीं है और वो गर्म हवा बनी हुई है, तो इसी कारण से अभी अपने जो क्षेत्र है उसमें गर्मी अधिक पड़ रही है। अभी और रहेगी कल तक, उसके बाद परसों से थोड़ा गर्मी कम होना शुरू होगी और उसके अगले 2 दिन बाद थोड़ी बारिश, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। आज जैसे 42 और 43 के बीच में रहेगा मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है।